नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथ मीडिया एंटरटेनमेंट। मैं हूं साक्षी। तो चलिए नजर डालते हैं आज की पांच बड़ी खबरों पर। दिल्ली के अमन विहार के प्रताप विहार के नाले से एक 8 साल के बच्चे का शव बरामद हुआ। आपको बता दें कि बच्चे को पहले अपहरण किया गया, उसके बाद बच्चे को रिहा करने के बदले में 25 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। फिलहाल पुलिस ने शव को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान के कोटा में IIT की कोचिंग कर रहे एक छात्र ने सुसाइड कर लिया। आपको बता दें कि मृतक छात्र बिहार के मधुबनी का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि पढ़ाई के तनाव के चलते इस छात्र ने अपने कमरे में सुसाइड कर लिया। फिलहाल परिजनों के पहुंचने के बाद ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में एक महिला सरकारी वकील की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि 35 वर्षीय नूतन यादव अपने सरकारी क्वार्टर में अकेले रहती थी और वो अविवाहित थी। पुलिस के मुताबिक नूतन यादव से उसके गांव के कुछ ही लोग मिलने आते रहते थे और उनके आवास में ही रुकते थे। फिलहाल पुलिस और परिजनों ने उन्हीं लोगों पर शक जताया है। देश की राजधानी दिल्ली के शिवपुरी इलाके में एक बोरे में लड़की की लाश मिली। वहीं पुलिस ने शक जताया है कि लड़की के साथ रेप या किसी तरह की ज्यादती हुई होगी। फिलहाल लड़की की मौत किस तरीके से हुई, इस बात का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही होगा। STF ने बैंकों से फ्रॉड करके लोन लेने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। आपको बता दें कि शातिर गिरोह ने ICICI बैंक से 2 करोड़ और सिटी बैंक से 10 लाख रुपए का चूना लगाया था। वहीं नोएडा में पुलिस थानों में इन गिरोह के खिलाफ FIR दर्ज थी, जिसके बाद पुलिस ने इन गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है। हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।